यार बचपन में ना हम लोग ऐसे ड्राइंग बनाते थे, नदी यहाँ पे पहाड़ बादल वगैरह, आज सच में देखने को मिल रहा है भाई, ड्रीम्स कम्स ट्रू। गाइस निकल चुके हैं, गाइस आप देखो यहाँ से हमारी जर्नी जो स्टार्ट हो चुकी है। इसका आलू दम छूट गया, भाग रहा है। विशाल एनर्जी का आलू दम छूट गया है, तो वो भागे 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 जा रहा है फिर आलू दम लेके आने के लिए। आज इसमें हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन की ओर। ओए दादा सुरेंद्र बनने के सुरेंद्र, यहाँ पे आते हैं ना काफी ज्यादा मस्त बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो वो रही हमारी गाड़ी, गाड़ी चलो 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 चलो। तो ये है गाइस सिलीगुड़ी की जंक्शन, और ये चलो उठ गए बस। भाई काफी ज्यादा मस्त नजारा आ रहा है यार, मतलब नेचर का तो भंडार है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आउटसाइड। ब्रेकफास्ट वगैरह के अपना नाम बोलो पीछे से। तो गाइस अभी से ना हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और यहाँ पे ना काफी सुंदर नजारा है गाइस। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। गाइस अभी ना हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं, यहाँ पे खाएंगे, और हमारे कुछ दोस्त लोग ना बाहर साइट सीन के लिए गए, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ सामान छोड़ गए ना, तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए जैसे रखा हुआ है। एक खिड़की के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है गाइस खिड़की का व्यू, लग रहा ना काफी सुंदर। और एक चीज में दिखा, ये भाई यहाँ पे देखो, ये माँ और पापा काम कर रहे, और यहाँ पे देखो ये बच्ची। वाह क्या सीन है। तो गाइस हम भी निकल गए थोड़ा साइट सीन के लिए। यार सुंदर सुंदर पत्थर है यहाँ पे, थोड़े दूर थोड़ा ही दूर जाएंगे, थोड़ा सा बस मतलब पास में ना एक नदी थी, तो वहाँ पे जाएंगे हम थोड़ा देखने के लिए। क्या औसम नज़ारा है भाई साहब, लोग तो सीनरी देखो यार, ये देखो ये मैंने पहली बार देखा गाइस, क्या मस्त लगा रहा है। बहुत ही फट फट करके गाड़िया वाड़िया आ रही है थोड़ा, इसीलिए हम लोग थोड़ा इस साइड पे कॉर्नर में ही है, और हमें जाना है उधर यहाँ पे। भाई नदी मिल गई भाई साहब, क्या नज़ारा यार, देखो यार भाई साहब, देखो 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 कितना अच्छा। आई थिंक ये ना डैम टाइप है कुछ ऐसे निकल रहा है, तो इधर रिक्स है, वहाँ पे ब्रिज में जाएंगे थोड़ा रिक्स हो जाएगा। गाइस यहाँ पे देखो भाई काफी सुंदर नज़ारा है, और हम लोग धीरे धीरे चल जा रहे हैं यहाँ से, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। निकल रहे हैं यहाँ से भाई, लेकिन काफ़ी सुंदर नज़ारा है यार, थोड़ा रिस्की है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही है, और यहाँ पे देखो नीचे डैम है, और ये डैम कूल है। अभी ना हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एरिया ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब चलने का एरिया जो है ना बहुत ही काफ़ी छोटा है, इसीलिए हमें गाड़ी ना उड़ा दे, हम उड़ जा रहे हैं वहाँ से। तो अभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर वो जो पहाड़ दिख रहा है ना वैसा ही पहाड़ चढ़ेंगे, वो वाला पहाड़ नहीं वैसा ही कुछ एक पहाड़ चढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कुछ आलू पराठा मैगी वगैरह है यहाँ पे, तो बस अभी थोड़ा वेट करना है, सब कुकिंग वगैरह होगा उसके बाद हम खाएंगे यहाँ पे, और तब तक नज़ारा का इधर देख रहे टायर ही पंचर हो रहा है, देखो यहाँ पे भी टायर पंचर, चलो जिंदगी भी पंचर होती है। और यहाँ पे चिकन की दुकान है,
ये और इधर जगह नहीं है, यहीं पे देखो पहाड़ नहीं है, पहाड़ उधर है, उधर तुमको जाएगा तो वो देखो लॉरी वॉरी वहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ लॉरी वॉरी आ रहा है, जमीन भी ना लग रही है, नदी है देखो यहाँ, नदी के कॉर्नर में जो पत्थर वत्थर होते हैं वैसे ही पत्थर है। सो अभी हम अनजानी राहों में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये भी नहीं पता। एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और वो भाई साहब गए थे फिर रिटर्न भी आ रहे हैं। वो देखो वहाँ पे वो तो लोग, पीछे देखो पीछे, वो देखो पीछे देखो, विशाल बनर्जी। तो इधर क्या है पता नहीं, बस जा रहे हैं हम लोग, मतलब नज़ारा अच्छा है। हाँ यहाँ लगता है गाड़ी भी जाता है क्योंकि यहाँ पे ना चक्के का निशान है और यहाँ पे उठा हुआ है। मैं गाड़ी जाता है तो यार देखो पत्थर कितने अच्छे अच्छे पत्थर है यहाँ पे, एक दो पत्थर लेके जाते हैं क्या, देखो कितना सारा पत्थर यार, भाई साहब कितने अच्छे अच्छे पत्थर है यार, इधर देखो क्या मस्त पत्थर यहाँ पे, देखो कितने सारे पत्थर है, मतलब लग रहा था ये कुछ साल पहले नदी था, इसी नदी के किनारे ऐसे पत्थर होते हैं ना, ऐसा पत्थर यहाँ पे है और ये भी मुझे नदी टाइप ही लग रहा है, बट यहाँ पे कार बार जाते होंगे साहब। अभी ना नजदीक ना हम लोग बहुत नजदीक से, नदी बहुत ही नजदीक से देखने वाले हैं हम लोग, वहाँ से गए दिखाने। ओह उधर देखो पहाड़ भी है भाई, भाई पहाड़ है यहाँ पे, अब नदी में जा रहे, चलो 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 भाई, हम दोनों अकेले निकल गए क्योंकि इधर सूखा है एक्चुअली ना। मुझे लगता है ना ये जो रास्ता जो बनाया गया है ना, मतलब जैसे कि पहाड़ों में ज्यादा तेज वर्षा होती है तो ये पानी जो है ना डायरेक्ट नदी में यहाँ से मिलती है। अरे वो बत्तख बत्तख, भाई साहब हम लोग नदी के पास आ गए, क्या मस्त व्यू है भाई साहब, क्या मस्त नजारे के पास आ गए गाइस, देखो भाई साहब उधर देखो डैम, देखो उधर देखो। अरे तुम्हें आमा के साथ रास्ते बदल में नदी पे आ गए ए, वहाँ पे चलेगा क्या, वो ब्रिज क्रॉस करेगा वहाँ पे? नदी का नाम ही नहीं है। अरे नदी का नाम ये देखो मार्बल, देखो मार्बल, अरे ये तो लो ना मार्बल, मार्बल मार्बल। चलो बारिश पड़ रहा है, चलो 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 बारिश। हाँ बारिश भी पड़ने लगा गाइस, तो हम निकलते हैं थोड़ा भीग गए। भाई हम लोग ना सीक्रेटली आके यहाँ पे एंजॉय करके चल जा रहे हैं हम दोनों से, वही तो हम देखे डैम देखे, तुमने देखा। चलो गाइस चलो हम थोड़ा फिर से रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो पहला चीज मेरा लाल हो गया भाई। का है लाल का हो गया, ये देखो का है ये पता नहीं। चलो भाई मजा आ रहा है यार, स्टार्ट ही हो गया, मजे मस्ती स्टार्ट हो गया ना यहीं से। काजल दौड़ो एक्शन मोड, भाई साहब साहब ये गाड़ी घुस गया इधर, ये कहाँ घुसा दिया भाई अचानक घुसा दिया देख रहा है हम लोग जा रहे, घुसा दिया यार, गजब बेइज्जती है हमारी प्यारी गो माता यार। यहाँ पे पाव धोने के लिए भी स्पेशलिटी है देखो। तो गाइस हमारे थाली लग चुके हैं, ये है पराठा और चना और ये गोभी की सब्जी, बंदा गोभी, बंदा गोभी सब्जी और ये दाल और कार्ड, और ये गोभी मस्त खाते हैं मस्त, गरम गरम है, तेरी भी जली ना। पहली बार यहाँ पे सिलगुड़ी की पराठा खाने वाले हम लोग, हाँ। सो हमारा ब्रेकफास्ट होता है कम्प्लीट यहाँ पे, अब यहाँ से हमको मस्त खाना रहा है यार, मजा आ गया, मजा आया विशाल बैंजी, मज़ा आया। तो इस हसीन वादियों में चाय का मस्त स्वाद उठाते हुए हमने पीते चाय पीना चाहिए। आज की 3 या 4 अभी जो है ना हम लोग पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो ये जो रास्ता है ना पूरा पहाड़ के और जाएगा, देख पा रहे जैसे कि ये पहाड़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, देखो ये टर्निंग्स देखो, ये पूरा पहाड़ है। इस रास्ते में हमारे सामने एक ट्रक था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वो भाई कॉर्नर से जा रहा था, तो उसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है, देखो लॉरी गिर गया भाई, ये बहुत ही कॉर्नर से जा रहा था, कब से देख रहे भाई साहब। देखो पहाड़ों में ऐसे एक्सीडेंट ना होती रहती है, तो हमें खूब सावधानी बरतनी पड़ती है, तो
थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गाड़ी ना कब से ना एकदम कॉर्नर से जा रही थी, जैसे गिर गई। भाई घने जंगल में ऐसा हाल हुआ है। भाई झरना अभी अब के लिए हम लोग उतर रहे हैं। तो गाइस अभी ओ भाई ये देखो गाइस, ये है नज़ारा, ये है नेचर, और यहाँ पे देखो एक ब्रिज भी है। भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा आ गया यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। ये देखो यार नदी, ये है गाइस तीस्ता नदी है, और तीस्ता नदी के ऊपर एक ब्रिज, और देखो काम। सो गाइस अभी ना हम लोग तीस्ता नदी के एकदम मतलब कॉर्नर में है, यहाँ पे रोड है और यहाँ पे, और ये ब्रिज भी है देखो साथ में। देखो सब लोग फोटोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर है, सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर है। बस अभी हम लोग ना ब्रिज के ऊपर जाने के, क्या हाँ छाता जरूरी था एकदम साइड से, जितना अभी खाली है जल्दी निकलो। भाई देखो यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यार, पूरा नेचर के पास है। तुम छाता हटाओ, छाता नहीं जाइए गाइस हम लोग को, हम नेचर से मतलब कनेक्टेड है ना। तुम अभी थोड़ा बारिश ज्यादा गिरेगा तो भी नहीं पता, मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि भाई हम लोग रेन लवर है। अभी अभी ना वो वाला ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाला, साइड से साइड से। अमेजिंग व्यू है यार, यार देखो यार, देखो यार ये तीस्ता नदी। भाई ड्रीम्स कम्स ट्रू। ब्रिज के ऊपर ना मुझे कुछ बंदर दिखते हैं, और उनमें से ना एक यूनिक सा बंदर दिखता है जिनका ना एक हाथ नहीं होता, देख के बड़ा दुख लगता है, और इस बात को मैं पूरे ट्रिप में भूल नहीं पाता हूँ यार। गाइस सच में बताऊं, ये सबके लिए ही ये ड्रीम्स ड्रीम कम्स ट्रू है। कितना अच्छा नदिया, नदी और पहाड़, और वहाँ पे देखो पहाड़ के बादल भी है, काफी सुंदर लग रहा है। विशाल एक्सपीरियंस बताओ, सिर्फ इतना बस, इतना मतलब इतना। हाँ अरे यहाँ पे फोटोज वगैरह भी चल रही है एकदम, काफी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है यार, दिल खुश हो गया यार इससे ही, मतलब नदी देखने को मिल गया और क्या चाहिए, काफी काफी सही लग रहा है यार। देखो ये पहाड़ देखो, यहाँ पे बादल बादल भी है यार, एक सिनेमैटिक आपको दिखाता हूँ, चलो। वन टू थ्री। सीरियसली व्हाट इज दिस प्लेस, दिस इज हेवन। Here I come. यार बचपन में ना हम लोग ऐसे ड्राइंग बनाते थे, नदी यहाँ पे पहाड़ बादल वगैरह, और सच में देखने को मिल रहा है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश है, मज़ा आ रहा है यार। देखो ये हनुमान जी सही लग रहा है, इतना अच्छा नज़ारा है। एक ब्रिज है जो मैंने दिखाया वहाँ पे, यही वाला ब्रिज है, यहाँ से एकदम मस्त नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी डर गए सच में, सच में वहाँ पे बाघ जैसा लग रहा था। यहाँ पे देखो वहाँ बाघ, मतलब वहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ये लोग हमेशा इधर ही रहते हैं भाई। तो काफी सुंदर नज़ारा है। गाइस तो इन वादियों को हमने घूम लिया, काफी मजा आया यार, काफी मजा, बहुत मजा, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, मतलब काफी सुंदर लगा, अच्छा मतलब लगेगा, सोचा नहीं था भाई ये सब व्यू ना कभी देखा नहीं, तो बहुत दिल को बहुत सुकून मिला, मजा आ गया। हाय हाय इतना सुकून।
अभी ना हमने इस ब्रिज को के ऊपर गए हम लोग अभी जहाँ इन पहाड़ों की खास बात क्या है पता है? इन पहाड़ों पर ना जितना ऊंचा चढ़ेंगे ना उतना ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे, उतने ही अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऐसा ही कुछ हमारा भी सफ़र चल रहा था। हम जितना पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे उतना ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी जो कि आज तक कभी भी देखा नहीं। भाई साहब सफ़र में इतने दूर तक मेरे साथ आ ही चुके हो तो भाई वीडियो को लाइक तो कर दो। এখন মেঘ তোমার প্যারালালে আছে। तो इन पहाड़ों के रास्तों में ना डर भी बढ़ रहा था और एक्साइटमेंट लेवल भी, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाइयां जितनी बढ़ रही थी हम उतने नए नए चीजें देखने को मिल रही थी। हमारा अगला सफर ना पम्बोदारा व्यू पॉइंट है जो कि इतना अमेजिंग है ना यार क्या बताऊं। लेकिन उसको देखने के लिए ना आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अगली वीडियो का इंतजार। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ पम्बोदारा व्यू पॉइंट पर, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये रहे यहाँ तक के हमारे सफर के कुछ यादें।